शहर के पौश गुरदेव नगर एरिए NRI की कोठी से कब्जे की कोशिश हुई है। इस दौरान 20 से 25 हथियारबंद युवकों वालों फायरिंग की गई है, जिस दियां तस्वीरां CCTV कैमरे के कैद हो गई ने। इस तो इलावा इस मामले के मशहूर गैंगस्टर जिहड़ा कुछ दिन पहले ही जेल चो छुट के आया है, उसका नाम तो पार्षद पति का नाम सामने आ रहा है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोठी के कब्जे को लेकर हुई वारदात गुरदेव नगर की दसी जा रही है। पुलिस ने जसविंदर सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर परचा दर्ज किया, जिसने दसिया कि उसकी भूआ कुछ समा पहला तो अमेरिका रहती है, जिस वालों ये कोठी साधु सिंह नामक व्यक्ति रहने वास्ते दी गई सी। कुछ समा पहला उस तो कोठी खाली करवा ली गई सी, जिसते कब्जा करन दी नीयत नाल साधु सिंह ते उसके रिश्तेदारा ने फायरिंग की है। कब्जा करन वास्ते गेट तोड़ लिया गया सी, बैडरूम तक उक्त कब्जाधारी पहुँच गए सन, जिन्हों बाद दे विच उत्थों खदेड़ दिता गया। खदेड़न तो बाद जाते हुए हमलावरों वालों ये फायरिंग की गई है, जिस विच दो लोग गंभीर जख्मी होए दसे जा रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों पर अपराधिक मामला दर्ज किया, गैंगस्टर ते पार्षद पति की भूमिका की जांच की जा रही है। थाना डिवीजन नंबर 5 के प्रभारी सब इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह का कहना है कि मामले की गंभीरता नाल जांच की जा रही है। हुण तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, टोटल 5 लोगों पर अपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे की वीडियो के आधार पर दोषियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। NRI की कोठी है, जो काफ़ी समय तो एक उन्होंने वालों किसी केयरटेकर दी गई सी। सो एक महीना पहला वो केयरटेकर ने कोठी खाली कर दी सी, बट किसी चीज़ कोई माड़ी मंशा के चलते कल मतलब कि 25 से 26 की दरमियानी रात में आपके 25-30 साथियों नाल आए, तो उन्होंने कोठी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस दौरान फायरिंग भी हुई। बाय नेम असी जी 6 बंदियां ते दिता सीगा परचा, ते 2 बंदे बाद विच नोमीनेट किए सीगे। फिलहाल 5 बंदे आप अरैसट कर चुके हैं। इस मामले एक तो जी मदर डॉटर ने जोड़े उ सुखविंदर कौर जसविंदर कौर जोड़े मतलब कि उत्थे एज अ केयरटेकर रह रहे थे, एक उन्होंने मामा जी ने पलविंदर सिंह जी, तो बाकी एक गुरमीत सिंह ने, तो एक गुरी करके बंदा हैगा, तो एक कुलदीप सिंह करके। सानू फुटेज मिली है जी, हजे असं वेरीफाई कर रहे हैं, हजे असं कुछ श्योरिटी नाल नहीं कुछ कह सकते, नहीं हजे सारी चीज़ों जी माइन्यूटली वेरीफाई किया जा रहा है, बट आप हजे किसी से डायरैक्ट सीधा ब्लेम नहीं ला सक रहे। शहर के पौश एरिया दे विच इस तरह गुंडागर्दी का नंगा नाच होना पुलिस के सवालिया निशान खड़े कर रहा है। पुलिस ने भावें इस मामले के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तार कर ली है, पर इस तरह फायरिंग होना कि ना कि अमन कानून की व्यवस्था से सवालिया निशान खड़े करता है। कैमरा परसन अमित पाठक के नाल दिलबाग दानिश लुधियाना। वधेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।